हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर के बारे में। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि दोस्तों ये स्टॉक दोस्तों 62 रुपीज़ का हाई है इसका, लेकिन स्टॉक नीचे जा रहा है, तो क्या इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए हमको? हम लॉस में जा रहे हैं, क्या करना चाहिए हमको? हम दोस्तों इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये नहीं करें? क्या इसमें टारगेट बड़ा होने वाला है? क्या इसमें बजट के बाद रॉकेट बनने वाला है? सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो। देखो, पहली बात तो ये है कि अभी फिलहाल इसका हाई था 62 रुपीज़ के आसपास का, इससे गिरावट होते हो दोस्तों। शेयर 55 रुपीज़ के आसपास मार्केट में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 7 रुपये के आसपास टूट चुका है मार्केट में स्टॉक। लेकिन पता होगा आपको 7 रुपये कैसे टूटा है। देखो, पहली बार तो दोस्तों हाई था इसका 60 रुपये के आसपास का, फिर 58 के आसपास आया, फिर 56 के आसपास आया, फिर 55 के आसपास आ गया। तो मतलब एकदम से टूटा नहीं चाहिए दोस्तों, धीरे धीरे नीचे आया ही। तो ये कन्फर्म है कि दोस्तों आपको तेज़ी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि स्टॉक आपको पता होगा बैंकिंग सेक्टर का शेयर है ये। देखो, अगर आप बैंकिंग स्टॉक का कोई भी मार्केट में स्टॉक उठा सकते हो और देख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है मार्केट में। अगर इसके अपोजिट आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बैंक का अपोजिट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक देख सकते हो आप, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर देख सकते हो आप, सेम प्राइस में ट्रेड कर रहा है मार्केट में। जब इसका टारगेट उठता है उसके बाद काफ़ी तेजी आपको देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि आपको ये शेयर बजट के बाद आपको लगभग 75 से 85 के बीच का टारगेट आपको देने वाला है। अगर आप इसमें बजट से पहले इन्वेस्ट करते हो तो खुद की स्टडी करके इन्वेस्ट करना है आपको, बजट के बाद ही आपको स्टॉक इन्वेस्ट करने का मौका नहीं देगा। लेकिन सवाल अभी ये आ रहा है कि क्या ये प्राइस और भी नीचे आएगी या नहीं आएगी, क्या यहाँ से बायबैक हो सकता है स्टॉक? हाँ, बिल्कुल बायबैक हो सकता है मंडे तक। अगर मंडे को अच्छा परफॉर्मेंस करता है मार्केट तो आपको 58 रुपीज़ तक का टारगेट आपको देखने को इजीली मिलने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता छोटी बड़ी गिरावट आपको हर एक दिन शेयर में देखने को मिलती है, सेम प्राइस आपको इसी प्राइस में देखने को मिल सकता है स्टॉक, क्योंकि टारगेट काफ़ी बड़ा है शेयर का। हो सकता है कि आपको बजट के बाद ये शेयर रॉकेट बनते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आपके मन में ये सवाल आना है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल आँख बंद करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको स्टडी करके इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ रिटर्न के मामले में, 6 मंथ में आपको 10 से 11 रुपये के आसपास का आपको जंप आपको देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट 2 से 3 बार आपको रिटर्न दे चुका है हाई में, और दोस्तों प्रॉफिट बुक करने के समय भी 2 से 3 बार इसने लिया है आपको। तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके जो लोग निकल चुके वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि आप और भी इन्वेस्ट करें ना करें, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको टारगेट काफ़ी बड़ा लेके चलना पड़ेगा 1 साल के लिए। धन्यवाद।